नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों का। सभी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश, कही ये बातें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को वाराणसी में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने जनता से किसी भी प्रयोजन पर और बाजारों, रेस्टोरेंट आदि जगहों पर भीड़ लगाने से बचने और आवाहन किया कि दुकानदारों को प्रेरित भी किया जाए, बिना मास्क और दूरी का पालन न करने वालों को सामान नहीं बेचा जाए। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया है कि लाउड स्पीकर से जन जागरूकता पैदा की जाए, मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाया जाए। यूपी के 40,000 जवानों को मिलेगा फायदा। यूपी सरकार ने प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी जवानों के ड्यूटी भत्ते में 20 रूपए की बढ़ोतरी करते हुए प्रतिदिन का ड्यूटी भत्ता 375 रूपए से बढ़ाकर 395 रूपए कर दिया है। विशेष सचिव आनंद कुमार सिंह ने इसके लिए यूपी प्रांतीय रक्षक दल एवं युवा कल्याण के महानिदेशक सहित सभी संबंधित अधिकारियों को इससे संबंधित आदेश भेज दिए हैं। सरकार ने मानसून सत्र में इसके दौरान अनुपूरक बजट में पीआरडी जवानों के ड्यूटी भत्ते में बढ़ोतरी की चर्चा हुई थी। राज्यपाल ने स्वीकृति प्रदान करने के बाद ये आदेश पारित हुआ है। 5 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को सीएम योगी ने दिया 4 करोड़ का लोन, किस्तों के भुगतान को लेकर कही ये बात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को स्वरोजगार संगम कार्यक्रम के तहत 5,06,995 लाभार्थियों को 4,314 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। उन्होंने सभी लाभार्थियों से ऋण की किश्तों का समय से भुगतान करने और बैंक से अधिक डिजिटल रूप से जुड़ने का आह्वान किया। सीएम ने कहा है कि कोरोना कालखंड में दूसरे राज्यों से आए 40 लाख श्रमिकों यूपी में ही रोजगार मुहैया कराया जाएगा। आज प्रदेश में 1,61,00,000 लोगों को अलग अलग उद्यमों में जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेंशन लाभार्थियों से किया संवाद, जिले में हजारों लोगों को मिला लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। साथ ही पेंशनर्स के खाते में 3 महीने की धनराशि हस्तांतरित की गई है। एलआईसी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सहारनपुर जनपद के पेंशनर्स से बात की। मुख्यमंत्री ने विधवा पेंशन की लाभार्थी रविता पत्नी स्वर्गीय अरविंद ग्राम तालहापुर विकासखंड मुजफ्फराबाद, रजनी अरोड़ा पत्नी स्वर्गीय विकास अरोड़ा निवासी गौशाला रोड और दिव्यांगजन पेंशन योजना के लाभार्थी रूपेश कुमार निवासी अनंतमऊ विकासखंड नानोता से संवाद किया। उत्तर प्रदेश को मिलेगा पहले स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का तोहफा। गोरखपुर में आज सीएम योगी रखेंगे नींव। उत्तर प्रदेश को राज्य का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट मिलने जा रहा है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यानी शुक्रवार को इसका शिलान्यास करेंगे। इस इंस्टीट्यूट में 400 से अधिक छात्र छात्राओं को पढ़ाने की व्यवस्था होगी। साथ ही डिप्लोमा से लेकर बैचलर एवं मास्टर डिग्री के पाठ्यक्रम संचालित होंगे। मानव संसाधन विकास प्रभाग ने अपनी मंजूरी देते हुए 16.50 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। इसमें 10 करोड़ रुपए बिल्डिंग निर्माण, 2.50 करोड़ रुपए उपकरण खरीद और 4 करोड़ रुपए हॉस्टल निर्माण के लिए आवंटित किए गए हैं। यूपी पुलिस में 2,430 पदों पर निकली भर्ती, 12वीं पास के लिए मौका। उत्तर प्रदेश पुलिस के रेडियो विंग में कई पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप हैंड वर्कर के कुल 2,430 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हेड ऑपरेटर के 936 पद, असिस्टेंट ऑपरेटर के 1,374 पद और वर्कशॉप वर्कर के 120 पदों पर ऑनलाइन परीक्षा के जरिए भर्ती की जाएगी। विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट upppb.gov.in पर डिटेल्स नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 20 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 28 फरवरी होगी। फीस के साथ एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट 28 फरवरी होगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 400 रूपए की एप्लीकेशन फीस भी देनी होगी। 12वीं पास या समकक्ष योग्यता धारक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी नोटिफिकेशन में मौजूद है। हेड ऑपरेटर पदों के लिए आवेदक की उम्र 20 से 28 साल होनी चाहिए। इसी तरह असिस्टेंट ऑपरेटर पदों के लिए आयु सीमा 18 से 22 साल निर्धारित की गई है, जबकि वर्कशॉप हैंड वर्कर पदों के लिए आयु सीमा 20 से 28 साल निर्धारित है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने यह स्पष्ट किया है।
यूपी में प्राथमिक स्कूलों में 17,000 पदों पर होगी भर्ती। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना में पहले होगा ऐलान। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले बेसिक शिक्षा विभाग प्राथमिक स्कूलों की 17,000 पदों की भर्ती का ऐलान करेगा। शासन इस संबंध में विस्तृत कार्यक्रम जल्द जारी करने की तैयारियों में जुटा हुआ है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज को ही परीक्षा संस्था बनाया जा सकता है, जो विज्ञापन घोषित करेगा। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने बीते 24 दिसंबर को विज्ञप्ति जारी की थी। उसमें कहा गया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती का चयन सूची में विसंगति को दूर किया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद बुधवार को ही 6800 अभ्यर्थियों की सूची अनियमित रूप से जारी कर चुका है। इसी विज्ञप्ति में 17,000 पदों की नई भर्ती घोषित करने का भी उल्लेख रहा है। मंत्री ने कहा था कि 1.37 लाख शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द होने से रिक्त सीटों में सिर्फ 17,000 ही बची है। इन पदों के लिए नया विज्ञापन आएगा, जिसमें सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। शासन इस भर्ती को जारी करने की तैयारियों में जुटा है। शुक्रवार या शनिवार को इस संबंध में कोई भी शासन आदेश जारी होने के बाद परीक्षा संस्था विज्ञापन निर्गत करके ऑनलाइन आवेदन लेगी। टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए 1 रुपए की लीज पर मिलेगी 20 एकड़ जमीन, जाने योगी सरकार के अन्य फैसले। डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोट में टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया जाना है। केंद्र सरकार की इस योजना के लिए प्रदेश सरकार 1 रुपए वार्षिक की लीज पर 20 एकड़ जमीन देगी। औद्योगिक विकास विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने बताया है कि सेंटर की स्थापना में भारत सरकार ने भवन निर्माण उपकरण संयंत्र और संचालन के लिए 200 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता संभावित है। झांसी नोट में बनने जा रहा है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। भारत सरकार के इस टेक्नोलॉजी सेंटर का तकनीकी लाभ कॉरिडोर के विभिन्न नोड में स्थापित होने वाली एमएसएमई इकाइयों को मिलेगा। इकाइयों को अपने उत्पाद विकसित करने में मदद मिलेगी, साथ ही निवेश भी बढ़ेगा। डिफेंस कॉरिडोर की ये इकाइयां प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाएंगी। यूपी में ऑरेंज अलर्ट, आज भारी बारिश और ओले गिरने का अनुमान। प्रदूषण में कमी। यूपी के अलग अलग हिस्सों में पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार इससे अभी राहत नहीं मिलने वाली है। प्रदेश के कई जगहों पर 9 तो कहीं पर 12 जनवरी तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। 10 जनवरी तक प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश होगी। इसके साथ ही ठंडी हवाएं और कोहरा भी बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी यूपी के जिलों में इससे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होगी। साथ ही मौसम विभाग ने 8 जनवरी को पश्चिमी यूपी के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इस दिन पश्चिमी यूपी में ज्यादा बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना भी जताई जा रही है। 9 और 10 जनवरी को कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। बारिश की वजह से दिन के तापमान में तो काफी गिरावट आई है, लेकिन रात के तापमान में उछाल आया है। 10 जनवरी के बाद मौसम में सुधार आने की संभावना है। फिलहाल तब तक शीतलहर से राहत मिल सकती है। जिन जगहों पर बारिश हुई है वहां के वायु प्रदूषण में सुधार हुआ है। लखनऊ में अधिकतम तापमान 16 और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आज आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है। 12 जनवरी तक बारिश की संभावना है। वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में 238 दर्ज किया गया है। यूपी में आईटीआई इंस्ट्रक्टर के पदों पर 2,504 वैकेंसी, 8 फरवरी है अंतिम तारीख। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 6 जनवरी को आईटीआई प्रशिक्षकों के रूप में योग्य व्यक्तियों के लिए भर्ती के लिए एक नोटिस जारी किया है। उक्त पदों के लिए कुल 2,504 रिक्तियां हैं। खास बात यह है कि जो यूपी पीईटी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं वे यूपीएसएससी आईटीआई प्रशिक्षक पदों के लिए आवेदन करने में पात्र हैं। यूपीएसएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर ऑनलाइन आवेदन लिंक 18 जनवरी 2022 से 8 फरवरी 2022 तक upsc.gov.in पर उपलब्ध है। यूपीएसएससी आईटीआई और इंस्ट्रक्टर भर्ती के लिए विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है, जैसे आवेदन प्रक्रिया, वेतन, योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया और जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। सभी योग्य उम्मीदवार 18 जनवरी से आवेदन कर सकते हैं, जबकि 8 फरवरी आवेदन करने की अंतिम तारीख है। आयोग ने अनुदेशक भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल निर्धारित की है। यूपीएसएससी चेयरमैन प्रवीण कुमार की मंजूरी के बाद आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने भर्ती संबंधित विज्ञापन गुरुवार को जारी कर दिया है। अनुदेशक भर्ती के लिए आयोग ने 25 रुपए फीस रखी है। अनुदेशक भर्ती में उम्मीदवारों को पीईटी परीक्षा पर प्राप्त स्कोर बोर्ड के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालन, प्रधान परिचालक, प्रधान परिचालक यांत्रिक और कर्मचारी के कुल 2,430 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। इसके लिए 20 जनवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम
तमाम खबरें डेली ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें।